हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज डे में, और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रहीम। और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसकी खोज किसने की, कब की और कैसे की। और दोस्तों यहीं तक नहीं, आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी अमेजिंग बातों के बारे में भी जानने को मिलेगा जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और जिन्हें जानकर आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर आइजक न्यूटन, ये नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। वैसे दोस्तों आप ये बिल्कुल भी ना भूलें कि ग्रेविटी की खोज इससे भी पहले कई वैज्ञानिकों ने कर दी थी। न्यूटन से भी पहले कई ऐसे वैज्ञानिक गुजर चुके हैं जिन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी थी, लेकिन उनके पास इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि कोई बल पृथ्वी के पास है जिसके द्वारा पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की तब उन्होंने इसका प्रूफ ही नहीं बल्कि इस बुद्धि को भी सुलझाया कि आखिर चांद पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है, या फिर पृथ्वी सूरज पर क्यों नहीं गिरती बल्कि उसकी परिक्रमा क्यों करती है। तो ये अब जानते हैं कि ग्रेविटी की खोज हुई कैसे, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की कैसे। वैसे दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, हो सकता है आप में से कईयों ने सुना भी होगा। तो होता कुछ यूँ है कि जो हमारे न्यूटन हैं वो एक दिन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर एक अचानक से एक सेब टूटकर गिरता है, और यही वो प्रक्रिया थी जो न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा। और फिर क्या था, जो हमारे न्यूटन हैं वो सोचने लगे कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा खोज तलाश के बाद उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, और उन्होंने इस तथ्य को भी सुलझाया कि आखिर चांद पृथ्वी की चक्कर क्यों लगाता है और चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, या फिर पृथ्वी सूरज का चक्कर क्यों लगाती है और पृथ्वी सूरज पर गिरती क्यों नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। वैसे दोस्तों ग्रेविटी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा सरल है, हो सकता है आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो ग्रेविटी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि वह बल जिसके द्वारा हर चीज़ पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ग्रेविटी सिर्फ हमारी पृथ्वी या फिर किसी खास प्लैनेट में ही मौजूद है, ये बिल्कुल गलत है। ग्रेविटी दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ के अंदर है, यहाँ तक कि हम इंसान जानवरों पक्षियों में भी ग्रेविटी मौजूद है, और यहाँ तक कि जिस मोबाइल या फिर डिवाइस पर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी ग्रेविटी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर हमारे अंदर भी ग्रेविटी मौजूद है तो हमें हमारी ग्रेविटी महसूस क्यों नहीं होती, या फिर हम पृथ्वी की तरह हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाते। तो इसका जवाब ये है कि जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर यानी द्रव्यमान। वैसे दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि मास यानी द्रव्यमान क्या होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मास को वजन लेकर चल सकते हैं। तो जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है वजन के ऊपर, जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। तो अब आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो वजन है वो कुछ इतना है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इतना ज़्यादा वजन होने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी बन सकी है कि वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा वजन है, जो हमारा मास है, वो पृथ्वी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें जो हमारी ग्रेविटी है वो महसूस नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर ग्रेविटी मौजूद नहीं है या फिर हम किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, पुलिंग है और खिंचाव है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको ये तो जरूर पता लग गया होगा कि ग्रेविटी है क्या। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को सही से सुना होगा, समझा होगा, तो आप सबके मन में एक सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी ही वो कारण है जिसके द्वारा पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, और ग्रेविटी ही हर दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, तो चांद पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों नहीं होता, यानी चांद पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है, और इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य पर क्यों नहीं गिरती। तो इसका जवाब ये है कि जो चांद है उसके ऊपर पहले से ही एक बाहरी फोर्स है जो उसे पृथ्वी के विपरीत दिशा में ढकेलता है। दोस्तों आप सबने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि अगर किसी वस्तु पर एक बार बल लगाया दिया जाए
तो वो चीज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। हाँ, ये बात अलग है कि पृथ्वी पर इस चीज़ का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पृथ्वी पर पहले से ही कई सारे बल मौजूद हैं जो उस चीज को आगे बढ़ने से रोकेगी। पहला बल तो ग्रेविटी है जो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी, दूसरा वायुमंडल जो उसे आगे बढ़ने से रोकेगी। लेकिन अगर कोई चीज हमारे अंतरिक्ष में है और तब उस पर धक्का लगाया जाए या फिर उस पर बल लगाया जाए तो वो चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसी प्रकार जो हमारा चांद है उसके ऊपर पहले से ही एक बाहरी फोर्स है, और चूंकि वो हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है इसलिए पृथ्वी भी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अब होता यूं है कि जो हमारा चांद है वो अपने बल के कारण आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पृथ्वी उसे अपनी ग्रेविटी के कारण उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इन दोनों के बीच मैच हो जाता है टाई, और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि चांद पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है, और इसी प्रकार पृथ्वी समेत सभी ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज से भरी और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।